हर हर महादेव मित्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया क्या है, इस दिन किस चीज की पूजा की जाती है, क्या मान्यता है, क्या विशेषता है, महत्व, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे इस दिन का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या टाइम है उसका, और इस दिन सोना खरीदने का महत्व है वो क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे, क्यों खरीदा जाता है। और बात करेंगे इस दिन बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं, और इसकी पूजा विधि के बारे में बात करेंगे, इसकी पूजा लग्न के बारे में बात करेंगे, खरीदने का समय क्या है और ये किस दिन है, इसकी भी कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं निवेदन करूंगा, जो भी मेरी इस वीडियो पर नया आया सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस घंटी वाले बेल आइकन पर भी क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों अपने सगे संबंधी में शेयर करें। और अगर आपके मन में ऐसा ही कोई प्रश्न है, कोई शंका है हमारे सनातन और ज्योतिष को लेकर के, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया का बेहद शुभ माना जाता है, अक्षय तृतीया का बेहद शुभ माना जाता है, अक्षय तृतीया को बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं, ऐसे में दोनों की मिश्रित कृपा का फल अच्छा होता है। जैसे कि आप जानते हैं सूर्य दिन में आता है और चंद्रमा रात में, तो इन दोनों का संयोग कभी ही मुश्किल से हो पाता है, इसलिए ये एक दिन ऐसा होता है दोनों अपनी उच्च राशि में होते हैं और दोनों अपनी कृपा बरसाते हैं। इसी दिन ही सोना खरीदने का विशेष महत्व है। तो चलिए इसी के बारे में आज बात कर रहे हैं। इस बार अक्षय तृतीया 2023 कब है, 22 या 23 अप्रैल को। यदि आप इस संशय में हैं तो यहाँ इस वीडियो में आपका जो ये कन्फ्यूजन है वो दूर करते हैं। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्यौहार माना जाता है। कई जगहों पर अक्षय तृतीया को अक्षय तीज भी कहा जाता है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बार अक्षय तृतीया 2023 की सही तारीख को लेकर लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को, जबकि कुछ 23 अप्रैल को अक्षय तृतीया होने की बात कह रहे हैं। यदि आप भी संशय में हैं तो जान लें अक्षय तृतीया 2023 कब है, सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए बात करते हैं, अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 दिन शनिवार, अक्षय तृतीया पूजा का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 7:50 से दोपहर 12:20 तक है। पूजा की कुल अवधि 4:30 तक होगी। और तो चलिए इसकी बात करते हैं, सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त। अक्षय तृतीया 2023 पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त 22 अप्रैल 2023 को सुबह 7:50 से शुरू होकर 23 अप्रैल को सुबह 5:48 तक होगा। सोना खरीदने की कुल अवधि 21:60 तक है। तो चलिए बात करते हैं अक्षय तृतीया पूजन विधि। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय है। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से स्नान करें, इसके बाद उन्हें पीले फूल और तुलसी का जल अर्पित करें। भगवान के सामने दीपक और धूप जलाएं, आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा का पाठ करें। विष्णु आरती और भजन से भगवान विष्णु और उनके अवतार परशुराम जी प्रसन्न होते हैं। इस दिन दान पुण्य अवश्य करें। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना चांदी की खरीदारी अवश्य करें, इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है, कृपा बनी रहती है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न रखने के लिए भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन 14 प्रकार के दान कार्यों में से कोई एक कार्य अवश्य करें। तो चलिए बात करते हैं अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया के दिन सर्व सिद्ध मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि में विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, घर, गाड़ी और वाहनों की खरीदारी करना बहुत शुभ होता है। इस दिन पूर्वजों का किया गया तर्पण और पिंडदान सफल होता है। इस दिन गंगा जल और गंगा स्नान करना भी फलदायी माना जाता है।
और ध्यान रखें इस दिन बद्रीनाथ के भी कपाट खुलते हैं। 22 अप्रैल शनिवार के दिन बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे, जिसमें भगवान परशुराम, नर नारायण और हेग्रीव का अवतार हुआ था। इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं। इसी दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं। इस दिन सोना प्रॉपर्टी जैसी मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। साथ ही अक्षय तृतीया पर दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। और अक्षय तृतीया साल में एक बार आता है और इसी दिन सूर्य और चंद्रमा का अच्छा संयोग होता है, उच्च राशि में विराजमान होते हैं। और अक्षय तृतीया का दिन जो भगवान विष्णु का प्रिय है दिन है, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसी दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की खरीदारी होती है, तो ये आप अवश्य करें। आपको शुभ मुहूर्त लगन महत्व संपूर्ण जानकारी दे दी है। तो बताइए वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें व ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र अपने सभी संबंधियों में इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी आपके बीच ऐसी सनातन धर्म ज्योतिष संबंधी जानकारी लाता रहूंगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।